नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ फूल गोभी और आलू की सूखी सब्जी सूखे मसाले के साथ कैसे हम घर पे एकदम 10 से 12 मिनट में बनाकर कैसे रेडी कर सकते हैं उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। इंग्रेडिएंट्स में हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का आलू मैंने लंबे लंबे काट के ले लिए हैं इस तरह से, और बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट लिया है फूल गोभी, और फिर यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 हैंडफुल मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ये है मिर्चा लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा, और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून लिया है मैंने इसमें मिक्स किया है, और ये 1/4 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे हींग, नमक, तेल, हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलो हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने राई का तेल डाल दिया है। तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना इसलिए है क्योंकि हमारा सूखी सब्जी है, सूखी सब्जी जब बनाते हैं तेल उसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, मैं फ्लेम को एकदम स्लो पे कर दे रही हूँ। अब इसमें मैं जीरा डाल दूँगी। पहले जीरा डालने के बाद अब मैं इसमें हींग डाल दूँगी। यहाँ पे हमारा जीरा और हींग अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा कवर ही करेंगे, नहीं तो तेल इधर उधर उड़ेगा, आप जल जाएंगे। हमें एकदम लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इस तरह से बस हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमारा फूल गोभी जो है वो ऐड कर दूंगी, और साथ में ही मैं आलू भी ऐड कर दूंगी इसी में, और इसको हम 2 मिनट, इसको हम यहाँ पे 1.5 मिनट तक मैं इसमें भून लूँगी पहले सब्जी को। मैंने इसको भून लिया है 1 से 1.5 मिनट तक। अब इसमें हम मसाले को ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसको भी हमें 30-35 सेकेंड तक हमें इसको मसाले को भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। मसाले में से एकदम अच्छी सी खुशबू आने लगी है, भून गया है हमारा मसाला। अब इसी में क्या करेंगे, ये सूखी सब्जी है, हमें इसको मीडियम से कम आंच पे हमें इस सब्जी को कुक करना होगा। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं ये सब्जी हम कुक करेंगे, नहीं तो हमारी सब्जी पकेगी नहीं अच्छे से। तो मैंने अब इसमें टमाटर को ऐड कर दिया है। टमाटर को ऐड करने के बाद अब साथ में ही हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हमें ढक के पकाना है सब्जी को स्लो आंच पे। कवर कर देंगे। यहाँ पर बीच बीच में हम अपने सब्जी को चेक करते रहेंगे। यहाँ पे टमाटर मैंने डाला था ना, तो थोड़ा सा पानी पानी छोड़ दिया है टमाटर पूरा, तो अब मेरी सब्जी एकदम अच्छे से इसमें कुक हो रही है। और आंच को मैंने मीडियम पे ही रखा है। और यहाँ पे स्टेज पे हम क्या करेंगे, आधा धनिया जो हम मैंने काटा था उसको हम डाल देंगे, और हाफ बाद में डालेंगे। तो इसको भी साथ में इसलिए मिक्स कर दे रहे हैं ना, साथ में अगर मैं पकेगा ना धनिया सब्जी के, तो बहुत अच्छी खुशबू जो इसका टेस्ट है ना धनिया का, वो सब्जी के एकदम अंदर तक पहुंच जाता है। काफ़ी अलग तरह का टेस्ट आता है, एकदम टेस्टी वाला टेस्ट, तो ये कह सकते हैं। तो इसको हमें कवर करके ही पकाना है सब्जी को। सब्जी को हम फिर से चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पानी सब्जी में दिख रहा है ना, लेकिन ये टमाटर का है, बिल्कुल भी ऊपर से पानी नहीं डाला है इसमें, क्योंकि ये सूखी सब्जी है तो हमें पानी इसमें ऐड नहीं करना है। और अभी भी मैं मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। हमें चेक करते रहना है हमारा पोटैटो पका हुआ है कि नहीं। आलू अभी नहीं पका हुआ है आलू। हम अपने सब्जी को फिर से चेक कर लेंगे।
आलू हमें देखना है कुक हुआ हो गया है कुक। मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब इसमें जो गरम मसाला है वो हम ऐड कर देंगे और जो बाकी का धनिया पत्ती जो था वो हम ऐड कर देंगे पूरा। अब हम गैस को बंद कर इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम गैस को बंद कर देते हैं। सब्ज़ी रेडी हो गई है हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फूल गोभी और आलू की सूखी सब्ज़ी कितनी बढ़िया एकदम टेस्टी बनकर रेडी हुई है। एकदम अच्छा लग रहा है देखने में, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है सब्ज़ी का। एवरीडे के खानों में हम ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि क्या जल्दी फटाफट बन जाए, तो उस जगह पे आपका आपके लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि आप इस तरह की सब्ज़ी बना के जल्दी से आप अपना खाना रेडी कर सकते हैं। और ये एवरीडे का ही नहीं, किसी स्पेशल डे में भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये रोज़ के खाने में तो जाता ही है, लेकिन पूड़ी पराठा इन सब चीज़ों के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाए खाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय।